हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हम लोग मंदिर में गए थे पूजा करने, देवी के मंदिर में। और वो रीति रिवाज होते हैं हमारी साइड के जो हमें निभाने पड़ते हैं। और यहाँ पर अंकल आ गया है चूड़िया लेके। हमारे साइड में ऐसे ही होता है, चूड़िया भरी जाती है शादी में। तो ऐसे नहीं कि घर वालों को ही चूड़िया भरी जाती है, मतलब अड़ोस पड़ोस वालों को, सभी को बुलाते हैं चूड़िया भरने के लिए। तो सभी लेडीज़ बाद में आएगी, इसी वजह से ये तैयारियाँ चल रही है। ये मेरी भाभी रंगोली वगैरह निकाल रही है, रंगोली वगैरह निकालेगी, उसके बाद सभी लेडीज़ आ जाएगी। तो अड़ोस पड़ोस की लेडीज़ को बुलाया जाता है। और सबसे पहले ना दूल्हे की मम्मी को बिठाया जाता है वहाँ पे चूड़िया भरने के लिए। सबसे पहले दूल्हे की मम्मी को भरते हैं और वो उनकी तरफ से फ्री होती है चूड़िया दूल्हे की मम्मी के लिए। बहुत सारी भरती है, मतलब दूल्हे की मम्मी ऐसे लगनी चाहिए कि दूल्हे की मम्मी है करके। बहुत सारी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया भरनी पड़ती है दूल्हे की मम्मी को। और उसके बाद सभी लोगों को हरी चूड़िया ही पहननी पड़ती है। आप देख सकते हो वहाँ पे हरी चूड़िया ही है। बट जिनको नहीं पसंद है, मतलब ऑप्शनल होते हैं, मतलब कुछ कलर्स लेके आ जाते हैं वो, जिनको नहीं पसंद है हरी चूड़िया, या मतलब ऐसा लगता है कि प्लेन हो गई है शादी में जाना है, तो फिर वो पहन सकते हैं दूसरी चूड़िया। बट कंपलसरी हरी चूड़िया ही होती है। और यहाँ पर रंगोली निकाल ली है भाभी ने। उसके बाद वही भाभी ने ना जिन्होंने वो रंगोली निकाली थी, उन्होंने ये पेंटिंग बना के दी थी। हम लोग कलर मतलब उसमें डाल रहे हैं। एक्चुअली वो भाभी मतलब पेंटिंग वगैरह में ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है, इसी वजह से वही सब कुछ करती है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि गांव में ऐसे पेंटिंग वगैरह निकाली जाती है पूरे डोर के साइड में। तो आपको बाद में देखने के लिए मिल ही जाएगा कि कैसी बनी है ये। तो अभी तो इसमें कलर भरना ही स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने, क्योंकि उन्होंने निकाल के दे दिया था। हम लोगों ने कलर भरा, बाद में मुझे जान पे भी आ गया था, तो बाद में माही ने भरा, कुछ मेरी मामा की बेटियों ने भरा। तो बहुत मतलब ऐसे टाइम लग गया था उसे। और आप देख सकते हो पूरी ये डिज़ाइन निकाली हुई है। यही नहीं, उस साइड में भी एक डोर है, उस पर भी ऐसी डिज़ाइन निकाली हुई है, तो उसमें भी कलर्स भरने हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है इसमें। और यही चल रहा है अभी, माही ने लिया है, माही करेगी थोड़ा सा, उसको भी बाद में जान पे आएगा। फिर बहुत सारी लड़कियां हैं घर में, तो वो थोड़ा थोड़ा लेके ये डिज़ाइन कंप्लीट करेगी। और यहाँ पर अड़ोस पड़ोस की लेडीज़ भी आ गई थी, तो वो भी भर रही थी यहाँ पर चूड़ियाँ। और सब घर वाले बैठे थे, मतलब जैसे कि मेरी मम्मी, मेरी मासियाँ, मेरी मामियाँ, सब लोग घर वाले ही थे। बट एक 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 लेडीज़ बाहर की आ रही थी, उन्हें हल्दी कुमकुम लगाना और उसके बाद उनको चूड़ियाँ भरना ये चल रहा था। तो मामा ने मुझे यहाँ पर शॉप दिखाने के लिए लाया, क्योंकि मैं नहीं आती हूँ ना यहाँ पे ज़्यादा, तो इसी वजह से मुझे पता भी नहीं था मामा ने ये शॉप ओपन किया है करके। तो मुझे स्टेटस दिखे थे मामा के, बट मुझे इतना नहीं पता ये शॉप कहाँ पे है। तो ये शॉप घर के पास ही है एकदम, उन्होंने घर के पास ही एक जगह लेके ओपन किया है यहाँ पे। और बहुत अच्छा शॉप लगा मुझे, मतलब सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि मंदिर वगैरह ये और हार्डवेयर की सारी चीज़ें। तो अगर आप लोनी टाकड़ी से मुझे देख रहे हो, तो यहाँ पर आप आ सकते हो कुछ लेने के लिए। तो आप देख सकते हो ये बालाजी हार्डवेयर कंस्ट्रक्शन करके मामा की शॉप है। और बस यहाँ पर ये शॉप वगैरह दिखाई मामा ने, फिर मैं और चली गई घर, क्योंकि मुझे चूड़िया भरनी थी। और आप देख सकते हो यहाँ पर कलरफुल चूड़िया है, और उसके बाद ग्रीन चूड़िया भी है। तो एक्चुअली मुझे ना एक कलर वहाँ पर पसंद आ गया, तो मैं वो भरने वाली थी, क्योंकि मामी बोल रही थी कि वो कलर बहुत ज़्यादा सूट करेगा आपको, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो वो भरती हूँ। बट मेरी साइज़ ही नहीं थी यार उसमें, मुझे इतनी बड़ी साइज़ लगती ना कि आपको क्या बताओ। मतलब मेरे हाथ ऐसे नहीं है कि मोटे है, बट मेरे जो हाथ है ना आगे से वहाँ पर हड्डी है, तो इसी वजह से ना हड्डी की वजह से चूड़िया ही अंदर जाती नहीं है। और अगर लूज चूड़िया लो ना तो वहाँ से तो अंदर चली जाती है, बट अंदर जाने के बाद ना वो एकदम से ऐसे बड़ी बड़ी सी लगती है। और मैं खुद जब पहनती हूँ ना कांच की चूड़ियाँ, तो मुझे बहुत बड़ी चूड़ियाँ लेनी पड़ती। जब मैं खुद पहनने के लिए लेती हूँ ना, मतलब खुद पहनती हूँ, तब मैं 2.8 की साइज़ लेती हूँ। और जब मुझे ऐसे कासार वगैरह पहनाते हैं ना, तो मैं 2.6 की साइज़ पहनती हूँ। तो मतलब वो थोड़ा सा उनको आइडिया रहती है कि वो कैसे पहनाना है, तो इसी वजह से वो अच्छे से पहना देते हैं मुझे, तो वो अच्छे से फिट आ जाती है। पीछे हाथ में जाने के बाद भी वो इतनी ज़्यादा लूज़ नहीं लगती है, बट 2.8 की बहुत ही ज़्यादा हो जाती है वो। और यहाँ पर वो देख रहे थे, चेक कर रहे थे, बट ये 2.4 की साइज़ थी शायद, तो 2.4 की तो कैसे ही नहीं जाती, तो इसी वजह से मामी चेक कर रही थी। मामी बोल रही थी कि वो मतलब वो कलर तो बहुत अच्छा है, बट साइज़ नहीं आ रही है उसे। तो फाइनली मुझे डिसाइड करना पड़ा कि मुझे ग्रीन ही पहनना है फिर।
तो मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो यार ग्रीन पहना दो, ग्रीन भी अच्छी लगेगी क्योंकि पता चल जाता है कि इनके घर में शादी या घर शादी के घर से आया है ये, तो इसी वजह से फिर मैंने बाद में ग्रीन पहन ली। और ये मान होता है, मतलब जैसे कि रीति रिवाज में आता है ना, तो इसी वजह से पहनना ही पड़ता है। वैसे मैं मेटल की चूड़ियाँ पहनती हूँ, बट कांच की चूड़ियाँ फिर ऐसे शादी वगैरह में पहननी पड़ती है, तो इसी वजह से मैंने पहन ली, फिर अच्छी लग रही थी। बाद में देख लेना, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझ पर। और ये वाले अंकल ने थोड़ी सी कसरत करके मुझे पहना ही दी फाइनली चूड़ी, और आप देख सकते हो कितनी कसरत करनी पड़ रही है उन्हें, बट फाइनली पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी, आप देख सकते हो सुंदर लग रही है यार। और जब तक हमारा वो चूड़ियों का प्रोग्राम चल रहा था, तो तब तक बच्चों ने ये कर भी लिया, मतलब माही ने और मेरी मामा की बेटी ने मिलके थोड़ी सी पेंटिंग को कंप्लीट कर रहे थे ये दोनों। और हाँ, यहाँ पर मामा की तैयारी चल रही है स्टॉल लगाने की, यहाँ पर पानी पूरी, भेलपूरी, रगड़ा पैटिस, ये सारी चीज़ों का स्टॉल लगने वाला है आज, और बहुत मज़ा आने वाला है रात को, आप देख लेना आगे, बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं, खाने पीने वाले हैं, उसके बाद हम लोग डांस वगैरह करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं आगे, आप देख लेना। और ना यहाँ पर मामा सब कुछ तैयारियाँ कर रहे थे, तब तक हम लोग चले गए पार्लर। एक्चुअली ये जो मेरी मासी है ना, इसने थ्रेडिंग नहीं की थी, तो सडनली उसको याद आया कि अरे थ्रेडिंग भी करनी है, दूसरे दिन की शादी है, तो थ्रेडिंग करने के लिए उसने मुझे बोला कि चलो थ्रेडिंग करने जाते हैं। और मैंने भी नहीं की थी, बट मेरी इतनी लगती नहीं कि मैंने नहीं की ये करके, बट मासी के साथ गई ही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लेती हूँ, तो फिर बाद में मैंने भी कर ली। और यहाँ पर इसी वजह से चेयर डाल दी है क्योंकि लाइट गई हुई थी और टॉर्च लाइट से काम चलाना पड़ रहा था, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं था, घर पे जाके स्टॉल भी लगाया था, तो इसी वजह से हमारा ही वेट कर रहे थे वहाँ पर, बट ये भी ज़रूरी था, तो इसी वजह हम लोग यहाँ पर आए थे। और बस यहाँ पर थोड़ी देर किया, फिर लाइट आ गई, तो फिर अंदर चले गए हम लोग। यहाँ पर थोड़ी देर किया भी नहीं, मतलब ऐसे बैठे ही थे, तो लाइट आ गई, फिर अंदर आ गए, अंदर किया मासी का भी और फिर मेरा भी, आप देख सकते हो मेरा बिल्कुल लग नहीं रहा है, बट थोड़े से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो बढ़ गए थे, तो मैंने उनको बोला कि आप ये भी निकाल दो, क्योंकि अगर बड़े हुए रहते ना तो सेट नहीं रहती है आईब्रो, तो बहुत गंदा लगता है, जैसे कि आप मेकअप वगैरह करते हो तो उसमें वो सूट नहीं करता है, तो इसी वजह से मैंने उनको बोला कि यार आप करवा दो मेरी आईब्रोज, और मैं घर पे ही करती हूँ। आप लोगों को, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो मेरे, तो आपको पता ही होगा मैं खुद से ही खुद का करती हूँ, बट बहुत दिनों के बाद मैं पार्लर में आई और गांव के पार्लर में आई, तो अच्छा लगा था, उनका हाथ भी बहुत साफ था और अच्छे कर रहे थे वो। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीज़ें ली यहाँ से, मतलब थोड़ी सी दूसरे दिन की शादी के लिए जो चाहिए थी मासी को, वो चीज़ें ली और फिर हम लोग यहाँ से निकल आए। जब घर पे पहुँचे तो भी इनका स्टॉल लग भी गया था और खाना स्टार्ट भी हो गया था, तो यहाँ पर मामा ने ये रगड़ा बनाया है, उसके भेड़ भी बनाई थी, भेड़ के जो ये है प्लेट्स है, तो वो सब लोग लेके गए थे। उसके बाद यहाँ पर एक लड़का है, वो पानी पूरी दे रहा है। और हाँ, वहाँ पर हम लोग एक बात बहुत बार दोहरा रहे थे, ये हम है, ये हमारे मामा का घर है और ये हमारी पार्टी चल रही है, बस यही 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 दोहरा रहे थे हम लोग। और बस यहाँ पर सेल्फीज़ वगैरह ले रहे थे, वही चल रहा था। और उसके बाद आने वाने चलाएंगे ना, मतलब जैसे कि डीजे वीजे चलाएंगे ना, उसके बाद आप देख लेना बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत अच्छे अच्छे डांस होने वाले हैं आगे। यहाँ पर सब लोगों को खाने देंगे आराम से, और उसके बाद फिर अच्छे से डांस करेंगे सब लोग। सब लोगों ने थकने तक इतने डांस किए ना कि आपको क्या बताओ, बहुत ज़्यादा डांस मस्ती की, आगे आप देख ही लोगे। और बस यहाँ पर सब लोग वही घर वाले ही है, सब लोग, कुछ लोग बाहर से आए थे बट सभी लोग घर वाले ही है। यहाँ पर मामी मुझे लाके दिए था, मामी ने, पापा का फ़ोन था, मम्मी को आया था पापा का कॉल, तो इसी वजह से मामी ने मुझे लाके दिया, फिर मम्मी को मैंने दिया। एक्चुअली पापा नहीं आए थे, और पापा आने वाले थे रिसेप्शन के दिन, क्योंकि शादी में भी पापा नहीं आने वाले थे क्योंकि लॉकडाउन था, और उसके बाद मतलब कोरोना की वजह से थोड़ा सा डर भी लगता है। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि भाभी और भाई नहीं आए हैं क्या, तो नहीं डियर, वो नहीं आए हैं, वो घर पे ही थे, भाभी और भाई घर पे ही थे, पापा भी घर पे ही थे, सिर्फ मम्मी आ गई थी अकेले ही। मम्मी का भी थोड़ा सा टेंशन था, बट मम्मी आ गई थी क्योंकि यार उसके भाई की शादी है, तो इसी वजह से उसको तो आना ही था। और फिर मैं भी यहाँ के यहाँ आ गई थी क्योंकि ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, मतलब आधे घंटे का ही रास्ता है, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर आना ही था। मतलब मैं पहले नहीं आने वाली थी, बट मम्मी आ गई थी, तो इसी वजह से मम्मी, मासिया, मासी के बेटे, ये सब लोग बुला रहे थे, मामा भी कॉल कर रहे थे बार बार, तो आना ही पड़ा। तो यहाँ पर मतलब आना नहीं था ऐसा नहीं है, बट कोरोना की वजह से थोड़ा सा डर लग रहा था, तो बाकी तो कुछ नहीं है। और आने के बाद इतना ज़्यादा इन्जॉय किया हमने कि हमें लगा कि यार घर पर रहते ना तो सच में मैं पछताती, बट यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा इन्जॉय हुआ, सबसे मिलना जुलना हुआ, सबके साथ टाइम स्पेंड हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर बस यहाँ पर बेल वगैरह बनाई थी मामा ने, तो वही हम लोग ले लेंगे, और अभी बेल खा रही हूँ,
मतलब सब लोगों के साथ, और इसके बाद जब डांस स्टार्ट होगा ना तो डांस ख़त्म ही नहीं होगा। काफ़ी देर तक डांस ही चलता रहा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने मेहंदी वगैरह लगाई। मेहंदी बहुत लेट लगाई सब लोगों ने, इसके बाद मेहंदी लगाएंगे, पहले डांस कर लेंगे सब। जब तक सब लोगों के दिल को तसल्ली नहीं मिलती तब तक डांस करते रहेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मेहंदी वगैरह लगाने के लिए स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि दूसरे दिन की हल्दी थी, और हल्दी के दिन पूरा दिन तो हल्दी में ही चला जाता, उसके बाद रात को फिर टाइम मिलता तो रात को अगर लगाते तो कलर नहीं चढ़ता, इसी वजह से सबने आज ही मेहंदी लगा ली। आगे आप सबके डांस देख लीजिए, बहुत अच्छे डांस किए हैं सबने, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे। बस सब लोगों ने मस्ती की, डांस किया और बहुत एंजॉय किया सबने। बस यहाँ पर चल रही है देवकुंडी की तैयारी, तो देवकुंडी के लिए वो सजाना पड़ता है, मतलब दूल्हा दुल्हन के नाम लिखने पड़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वो बैकग्राउंड में सजाना पड़ता है, और दूसरे दिन देवकुंडी का प्रोग्राम होता है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और ये यहाँ पर कुक ने मतलब वो नमकीन बना के चले गए थे, तो मुझे पता नहीं था, तो इसी वजह से मैंने जब देखा तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। इस टाइप में बनता है सब लोगों के नाश्ते के लिए हमारे साइड में। और उसके बाद ये पेंटिंग अभी भी चल रही है, उस डोर की कंप्लीट हो गई है और इस डोर की अभी भी चल रही है, तो नेक्स्ट डे ये कंप्लीट होगी, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगी। तो
बस यहाँ पर सारा प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद और डांस वगैरह करने के बाद थकने के बाद यहाँ पर आ गए हैं सब लोग मेहंदी लगाने के लिए। एक दूसरे के हाथों पर मेहंदी लगा रहे हैं, खुद के हाथों पर एक हाथ पे लगा रहे हैं और दूसरे हाथों पे दूसरे को लगा के मांग रहे हैं। तो ऐसे करके सब लोगों ने मेहंदी लगाई, मतलब लड़के भी नहीं छूटे उसमें। और ये देखना आप अभी बैठे हैं ये, बट बाद में ये भी मेहंदी लगाने के लिए शुरू हो जाएंगे, मतलब खुद खुद से ही लगाएंगे, कोई लगा के नहीं देखा इनको। और मेरी मम्मी तो घर से ही लगा के आई थी, मम्मी को दीपाली ने लगा के दी थी, तो वो बहुत अच्छी सी मेहंदी निकालती है। दीपाली ने बहुत अच्छी मेहंदी निकाल के दी थी मम्मी को, तो वो घर से ही लगा के आ गई थी। और यहाँ पर चल रही है मेहंदी बच्चों की, मतलब ये मेरी मामा की बेटियाँ, दूल्हे की मेहंदी बाकी थी, दूल्हे की मेहंदी वो जो लड़की आई है इनकी फ्रेंड वो लगा के देगी। और यहाँ पर इन लोगों ने ये फोटोज़ निकाल लिए हैं अपने अपने, और अपना अपना स्टार्ट कर भी दिया है आप देख सकते हो यहाँ पे। और ना वो जो लड़की थी येलो टॉप वाली, उसने फिर लगा के दी थी मामा को मेहंदी, बहुत अच्छी मेहंदी लगा के दी थी, बारीक मेहंदी लगा के दी थी, बहुत सुंदर मेहंदी रची भी थी। दूसरे दिन मैं आपको दिखा दूंगी दूसरे ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में जो हल्दी का ब्लॉग आने वाला है, और वो ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। उसमें भी बहुत ज़्यादा मस्ती की, मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया, आप लोग भी देख के एंजॉय करने वाले हो। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद एक बेल आइकॉन आएगा उस पर ऑल पे क्लिक करना, ताकि सारे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाओ। आपको अगर इंस्टा पे मुझे फॉलो करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।